नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल समाचार और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला। शाम के 7 बज रहे हैं, समय हो चला है पूर्वांचल दिन भर का। आइए नजर डाल लेते हैं कुछ अहम खबरों पर। देश भर में कोरोना मरीजों की संख्या 15,712 पर पहुंची, अब तक 507 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना वायरस के 1334 केस सामने आए, 27 लोगों की हुई मौत। 23 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 54 जिलों में पिछले 14 दिनों में कोरोना वायरस का कोई नया मामला नहीं आया सामने। बिहार के भोजपुर में कोरोना का पहला केस मिलने के बाद मचा हड़कंप और बिहार का आंकड़ा पहुंचा 93 पर। बिहार के नालंदा में एक डॉक्टर को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद मचा हड़कंप। दुबई से आए युवक के साथ मिला था डॉक्टर। यूपी के फिरोजाबाद में मिले 6 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 1104। उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में लॉकडाउन हुआ फेल, योगी सरकार नाराज, बनारस, गाजीपुर और कुशीनगर भी शामिल। लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामान की सप्लाई नहीं कर पाएंगी ई कॉमर्स कंपनियां, गृह मंत्रालय ने जारी किया है निर्देश। गोपालगंज के कटिया में आकाशीय बिजली गिरने से 2 की मौत, कटिया के देवरिया गांव की यह घटना। सीवान के गुटनी में भी ठनका गिरने से 1 की मौत। छपरा जिले के मढ़ौरा में लॉकडाउन का नहीं हो रहा पालन, सब्जी मंडी में उमड़ी भीड़। गोपालगंज में कालाबाजारी के लिए ले जाया जा रहा 105 बोरा अनाज जब्त, एमओ ने कारोबारी पर दर्ज कराई प्राथमिकी। जादवपुर के बरईपट्टी का मामला। उत्तर बिहार के गोपालगंज, सीवान समेत अन्य जिलों में तेज हवा के साथ बारिश व ओलावृष्टि शुरू, किसानों पर मंडरा रहा संकट। गोपालगंज के थावे में शारदानंद होटल के पास चाकू से हमला कर युवक को किया जख्मी। गोपालगंज नगर थाना के जंगलिया में घटतौड़ी की शिकायत पर सदर सीओ ने की जांच, डीलरों में मचा हड़कंप। इसके साथ ही दीजिए हमको इजाजत, नमस्कार। फिर सुबह 8 बजे हम हाजिर होंगे पूर्वांचल प्रभात के साथ। हमारी खबरों से निरंतर जुड़े रहने के लिए आप हमारे वेबसाइट www.purvanchalsamachar.com को फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।